जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे ईवीएम की पूरी जानकारी और इससे होने वाले प्रथम चुनाव और जानेंगे प्रथम ईवीएम किसने बनाया था और एक ईवीएम की कीमत कितनी होती है। ईवीएम जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन की सबसे खास बात यह होती है कि इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये 6 वोल्ट बैटरी से भी चलती है। इसीलिए इसका उपयोग उस इलाके में भी कर सकते हैं जहां बिजली कनेक्शन नहीं होती है। इसकी दूसरी खास बात यह होती है कि ईवीएम में अधिकतर 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। आमतौर पर भारत में एक मतदान केंद्र पे 1500 मतदाता वोट देते हैं। इस हिसाब से एक ईवीएम में पर्याप्त संख्या में वोटर वोट डाल सकते हैं। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं, पर यदि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की संख्या 64 से अधिक है तो वहां बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल करना होगा। अब चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपैट यानी वेरिफायरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन भी लगी रहती है। आप इसमें उस चुनाव चिन्ह की छवि देख सकते हैं जिसे आप वोट देते हैं। एक समय था जब वोट देने के लिए बैलेट शीट का उपयोग होता था, मगर उसके साथ समस्या ये होती थी कि भारत में एक आम चुनाव में ही 10,000 टन कागज की खपत होती थी, जिसके लिए लाखों पेड़ काटे जाते थे। चुनाव के लिए मतपत्र छापना, उसका भंडारण, उसे विभिन्न चुनाव केंद्र तक पहुंचाना और फिर चुनाव के बाद उसे बक्से में भरकर गिनती केंद्र तक ले जाना, ये सभी दुरू कार्य था। इसके बाद भी मतपत्रों से चुनाव और फिर गिनती में भी काफ़ी दिन लगते थे, इसीलिए चुनाव परिणाम भी देर से आते थे। ज़्यादा बैलेट पेपर से चुनाव होने पर एक ही वोट देने में 2 से 3 घंटे तक का समय लग जाता था। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक मशीन से वोट होने पर एक वोटर को 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। वहीं बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में परिणाम आने में 10 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता था, असल में 40 घंटे तक का भी समय लगता था। तो वहीं इलेक्ट्रिक मशीन से होने वाले चुनाव के परिणाम 5 से 6 घंटे में आ जाते हैं। अब सवाल है ईवीएम कौन बनाता है। भारत में ईवीएम को लाने का श्रेय सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद को जाता है। इन्हीं दोनों कंपनियों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को विकसित किया और इसका परीक्षण किया। इसके बाद इसका उपयोग चुनाव में होने लगा। अभी भी ईवीएम से जुड़े पार्ट्स यही दोनों कंपनियां मिलकर बनाती है। जबकि पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफा ने किया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। अगर बात करें कीमत की, शुरुआत में जब 1989 से 90 के बीच जब पहली बार ईवीएम मशीन खरीदी गई थी तो इसकी कीमत 5,500 रुपये पड़ी थी। जब इस रुपये को 2019 वर्ष के मूल्य के स्तर पर आंका गया तो इसकी कीमत 47,000 रुपये पड़ी। वहीं दूसरी ओर 2014 में पुन ईवीएम को 10,500 रुपये देकर खरीदा गया। जब 2019 के मूल्य के स्तर पर इसे आंका गया तो इसकी कीमत 14,000 रुपये निकली। अब जानेंगे ईवीएम का पहला उपयोग कहां हुआ था। ईवीएम का प्रथम उपयोग 1982 में केरल के नॉर्थ परावूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था, जहां कुछ ही बूथ पर ईवीएम मशीन लगाया गया था। फिर वर्ष 1999 में पूरे राज्य में गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम का उपयोग हुआ था। और फिर इसके बाद वर्ष 2003 में जहां भी उपचुनाव हुए वहां ईवीएम का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग पूरे देश में हुआ था। तब ईवीएम वोटिंग के द्वारा देश में बनने वाले प्रथम पीएम मनमोहन सिंह जी बने थे। दोस्तों चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं के लिए वोट हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर चुनाव संबंधित हर तरह की जानकारी उपलब्ध है। आप इस ऐप पर अपने कैंडिडेट तक की जानकारी पा सकते हैं। आप इस ऐप पे चुनाव से संबंधित कोई शिकायत हो तो दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।